राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम राम राघव राम राघव पाहिमाम राम राघव राम राघव रक्षमाम राम राघव राम राघव पाहिमाम राम राघव राम राघव रक्षमाम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव पाहि माम रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पुण्य पर्व पर मांगलिक पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। असंख्य बार बधाई स्वीकार कीजिएगा। पुनीतता का पर्व केवल बहनों का, अपने भाइयों की कलाइयों पर धागा बांधने का ही पर्व नहीं, परमेश्वर से कृपा प्रार्थना करने का पर्व कोई भी कर सकता है। ये आवश्यक नहीं कि बहन ही भाई के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर मेरे भाई की रक्षा करना, या जैसा आम माना जाता है बहन भाई को अपनी रक्षा के बंधन में बांध लेती है। कोई व्यक्ति क्या किसी की रक्षा करेगा जो स्वयं जिंदगी में इतना असुरक्षित है, वह किसी दूसरे की रक्षा क्या कर सकता है। भाई के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, गुरु शिष्यों के लिए, हर एक के लिए परमेश्वर से उनकी रक्षा उनकी सुरक्षा मांगने का मांगलिक दिवस, मात्र धागा बांधने का नहीं या धागा किसी के आगे रख देने का पर्व नहीं। महत्व जाने बिना इन चीजों का भी कोई महत्व नहीं रहता। बात तो यह है कि आपके अंदर भावना किस प्रकार की है। आप किसी अनजान की रक्षा के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हो।
कितना ऊंचा भाव है, कितनी ऊंची सेवा है, क्या मांगना है परमात्मा से, किस बात के लिए रक्षा मांगनी है। हे परमेश्वर, अपने लिए भी मांग सकते हैं, पर अपने लिए क्यों मांगना, औरों का, औरों के लिए मांगे या सबके लिए मांगे, तो उसमें आप भी आ जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, सबके लिए मांगो। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। सबकी रक्षा करो परमेश्वर। किस बात से, किस बात की रक्षा चाहते हो, ये आपको अपने भीतर स्पष्ट होना चाहिए। मात्र शरीर की रक्षा, शरीर के रोगों से रक्षा, कब तक इन्हें सुरक्षित रख सकोगे, कब तक इन शरीरों को सुरक्षित रख सकोगे, कब तक इनको रोग रहित रख सकोगे, सो शरीर की रक्षा का क्या मामला। मांगी जा सकती है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं, स्वस्थ शरीर होगा तो परमात्मा का भजन पाठ बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सिर में पीला हो तो बहुत बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा हो तो देखने को मन नहीं करता। इसी प्रकार व्यक्ति रोगग्रस्त हो तो पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। उसके लिए यदि शारीरिक स्वस्थता की रक्षा मांगते हो, शरीर की रक्षा मांगते हो, तो बहुत अच्छा भाव है। बात तो देवी सज्जनों सद्भाव की है, आपकी मांगों के पीछे, आपकी प्रार्थना के पीछे भावना किस प्रकार की है। परमात्मा देव हम सब की पाप से रक्षा कीजिएगा, पाप से हमें सुरक्षित रखिएगा, पाप से हमें बचा के रखिएगा। इस कली काल में आपके अतिरिक्त पाप से कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। सब पाप करवाने वाले तो हैं, लेकिन पाप से बचाने वाला कोई नहीं है। कुसंगति से रक्षा कीजिए, दूषित वातावरण, संसार का दूषित वातावरण, परमात्मा देव उससे हमारी रक्षा कीजिए। दुर्गुणों दोषों से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी कमजोरियों से, व्यसनों से हमें बचा के रखिए। कितनी सारी चीजों की सुरक्षा व्यक्ति चाहता है, पवित्रता की रक्षा, मेरा जीवन पवित्र रहे, खाने को कुछ मिले न मिले परमात्मा, आदि शंकराचार्य मतेश्वरी गंगा के किनारे बैठ के परमात्मा के निराकार, निराकार नहीं निराकार, उनके जल रूपी आकार, परमात्मा के जल रूपी आकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मां मैं सिर्फ तेरा जल पी के अपने जीवन का निर्वाह कर लूंगा, मेरी जीवन की पवित्रता सुरक्षित रखना, मेरे माथे पर, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई कलंक ना आए, कोई धब्बा न लगे। ये सब बातें मांगने की। गरीब रहना बहुत अच्छा, निर्धन रहना, निर्बल रहना बहुत अच्छा, लेकिन पवित्रता खत्म हो गई, शुचिता खत्म हो गई, साधक चलो, व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। परमेश्वर से इन बातों की सुरक्षा मांगिए। सब कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त किसी किताब में एक छोटी सी पर्ची लिख के रखी हुई थी। कालांतर में जब टेबल मिला
तो टेबल के नीचे वह पर्ची लिख के रखी हुई थी, ओ लॉर्ड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स आई शैल सी टू माई एनिमीज। मित्र जितनी चोट अपने जितनी चोट मारते हैं और जितनी पीड़ादायक वह होती है, उतनी दूसरों से दी गई पीड़ा पीड़ादायक नहीं होती। ओ लॉर्ड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स आई शैल सी टू माई एनिमीज। शत्रु तो देवियों शत्रु है, आदमी उससे बच के रहता है, लेकिन मित्र भीतर से अपने, जिन्हें अपने कहा जाता है, सगे संबंधी पंजाबी में शरीक कहते हैं, ऐसे लोग भीतर ही भीतर क्या करते हैं वह परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जानता। आपके ऊपर विघ्न बाधाएं प्रस्तुत करने वाली विद्याएं अक्सर अपने ही चलाते हैं। ओ लॉर्ड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स आई शैल सी टू माई एनिमीज। मात्र शत्रुओं से ही रक्षा लें परमात्मा, मेरे अपने मित्रों सगे संबंधियों से भी मेरी रक्षा कर। सो आज का दिन देवियों सज्जनों सबकी रक्षा मांगने का दिन परमेश्वर से। परमेश्वर यदि हमें सुरक्षित रखे तो हमारा जीवन भौतिक आध्यात्मिक दोनों सुरक्षित नहीं। किसी आदमी से मांगने से ये बात नहीं बनने वाली देवी सज्जन। सो आज मात्र भाइयों से या भाइयों के लिए ही मांगने का दिन नहीं है, परमेश्वर से मांगने का दिन है। परमेश्वर हम सबकी रक्षा कर। इतनी सारी बातें आप जी से कही हैं, बच्चा विदेश जाता है, बड़ी छूट है, जो मर्जी कर सकता है, जो मर्जी खाए, जो मर्जी पिए, जो मर्जी करे, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। प्रायः बिगड़ जाते हैं। यहां बैठे माता पिता का कर्तव्य है, परमात्मा जैसे हम तेरे हवाले हैं वैसे वह तेरा बच्चा जो हमसे दूर बैठा हुआ है वह भी तेरे हवाले है। जिस प्रकार हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हो, ऐसी ही रक्षा सुरक्षा उसे भी प्रदान करना और निश्चिंत हो जाओ। उसके हवाले कर दिया तो आदमी निश्चिंत, स्वयं अपने आप को हवाले कर दिया या किसी को भी हवाले कर दिया तो निश्चिंतता आ जाती है, फिर काहे की चिंता है। पुनः आप सबको आज के इस मांगलिक दिवस पर बहुत बहुत, पावन दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूर्णिमा भी है आज, बहुत जाप करने का दिन, खूब जाप कीजिए और किसी का नाम लेके परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए तो नाम से प्रार्थना कीजिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए तो सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा। नाम किस किस का याद रखते रहोगे, सब अपने ही हैं, कोई बेगाना नहीं है। ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड, सब परमेश्वर के पुत्र हैं, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। वह चाहे पाकिस्तान में रह रहे हैं, श्रीलंका में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, वह तो परमात्मा की व्यवस्था है, हम इन बातों में हस्तक्षेप नहीं करते। हम इतना ही जानते हैं कोई कहाँ भी बस रहा है वह सब परमात्मा का ही बच्चा है और उस नाते हमारा सगा है, हमारा संबंधी। एक ही माता पिता के, हम एक ही जगजननी की कोख से हम सब ने जन्म लिया है और उसके नाते किसी प्रकार का कोई अंतर हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। दुख तकलीफ है तो उसकी पीड़ा, वह चाहे
पाकिस्तान वालों को है, चाहे किसी भारतीय को है, पंजाबी को है, या श्रीलंकन किसी को है, वह पीला का अनुभव स्वयं महसूस होना चाहिए। बेचारे कैसे निर्वाह कर रहे होंगे बेचारे। चलो और कुछ नहीं कर सकते आप, कम से कम इस प्रकार की आपके अंदर हमदर्दी उठना भी कोई छोटी बात नहीं, आपके अंदर पीड़ा का अनुभव होना भी कोई छोटी बात नहीं। परमात्मा हम तो वहां जाके कुछ नहीं कर सकते, तू तो सर्वविद्यमान है, सर्वव्यापक है परमात्मा, किसी को भी किसी के लिए भी कहीं भी कुछ भी तू कर सकता है और तू सब कुछ कर सकता है। हे सर्व समर्थ परमात्मा, अपने बच्चों की रक्षा करना इतनी सुंदर मांग है आज के दिन मांगने के लिए परमात्मा के दरबार में। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाई। जब शुरू होता है साधक चलो, अखंड जाप दिन भर रात भर चलेगा, कहीं भी हैं आज खूब जाप कीजिएगा।